22 तारीख को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना लॉन्च कर रहा हूँ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा झंडा फहराया। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परेड की सलामी ली। 18 बोलों की टुकड़ियों ने परेड की। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि आजादी का अमृत काल है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास 75 साल पुराना नहीं, हजारों साल पुराना है। इसके साथ ही सीएम ने आगे कहा, हमने लाडली बहना योजना लगाकर बहनों की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि 15 अगस्त के मौके पर मंच से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए कई बड़े फैसले और बड़े ऐलान किए। हमारी अगली क्रांति है रोजगार की क्रांति। मेरे बेटा बेटियों, तुम जानते हो हमने इस साल 1,00,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का फैसला किया। सरकारी नौकरियों में भर्ती का क्रम निरंतर जारी है। ये 1,00,000 पूरा हो जाएगा तो 50,000 भर्तियां फिर शुरू हो जाएगी। पुलिस की भर्तियां अभी चल रही है। इसके अलावा भी हमने नई भर्तियां निकालने का भी फैसला किया है। हम सास की सेवाओं में भी नौकरियां देने का काम करेंगे, लेकिन केवल सास की सेवा नहीं, स्वरोजगार की योजनाएं, अनेकों योजनाएं, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मध्य प्रदेश ने बनाई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। ऐसी उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत इन सब चीजों को मिला के, इन सब योजनाओं को मिला के, क्योंकि उद्यम क्रांति में हम 1,00,000 से 50,00,000 रुपए तक का लोन बच्चों को देते हैं, जिसकी गारंटी सरकार लेती है और ब्याज की सब्सिडी भी देती है। इन सब योजनाओं को मिला के हम हर महीने लगभग 2.5 से 3 लाख नौजवानों को स्वरोजगार से लगाने का काम लगातार कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। लेकिन अब 22 तारीख को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना लॉन्च कर रहा हूं। आपने इस योजना के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, कई बच्चों ने आवेदन किया है। हमने तय किया है कि बच्चों को हम काम सिखाएंगे, स्किल्ड अगर वो हो जाएंगे तो उनको कहीं भी रोजगार मिल जाएगा। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, जो 12वीं पास है या जिन्हें ITI की है या ग्रेजुएशन किया है, वो अगर काम सीखना चाहेंगे तो वो आवेदन करेंगे। अलग अलग कंपनियां जिन्हें स्वीकृति दी है वहां उनको काम सीखने भेजा जाएगा और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा, ताकि वो काम भी सीख सके और उस दौरान इनकी आजीविका भी चल सके। इस योजना को अब हम प्रारंभ करने वाले हैं। इस क्रांति के अलावा एक क्रांति और मध्य प्रदेश में हुई है, सांस्कृतिक अभ्युदय की क्रांति। मैंने प्रारंभ में कहा था भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष, हमारे मान बिंदु, उनको बनाए रखना हमारा फर्ज है। और इसलिए महाकाल महालोक बना है उज्जैन में। कल 5-6 लाख लोग थे, परसों भी 6 लाख लोग उज्जैन महाकाल महाराज के दर्शन करने और महाकाल महालोक देखने आए थे। उज्जैन आज जो धार्मिक हमारा पर्यटन है उसके श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए। हम ओंकारेश्वर में अद्वैत वेदांत धाम बना रहे, एकात्म धाम बना रहे। शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण के साथ ही अद्वैत वेदांत के अध्ययन का केंद्र हम बनाएंगे ओंकारेश्वर को। राम रजा लोग ओरछा में, बनवासी राम चित्रकूट में, हमारे संत रविदास जी का मंदिर हम सागर के बड़तुम्मा में बना रहे हैं। परशुराम लोग, भगवान परशुराम लोग, राणा प्रताप लोग, अहिल्या देवी लोग सलकनपुर में, अलग अलग स्थानों में हनुमान लोग जामसावली में, वो भी बनाने का हम काम कर रहे हैं। सांस्कृतिक अभ्यता का एक नया अध्याय मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ किया है। और एक क्रांति और हुई है, हमने विकास तो किया, लेकिन विकास अकेले सरकार ने नहीं, जनता के साथ हमने मिलकर विकास करने का काम किया। जन भागीदारी से सुशासन देने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। चाहे कोविड का मुकाबला करना हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे जल संरक्षण का काम हो, चाहे पेड़ लगाना हो, चाहे नशा मुक्ति का अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, ये निरंतर मध्य प्रदेश में जनता के साथ मिलकर हमने चलाने का काम किया है।